जी मैं मौजूद हूँ सर कैंपचर्ड में और खासतौर पर मैं उस खास गलियों की तरफ जाने लगा हूँ जहाँ बहुत कम ही होता है कि वीडियो बनाने की इजाज़त होती है जी। डोनर कबाब और फ्राइज की दुकानें हैं और यहाँ आपको एक म्यूजियम नज़र आ रहा है, बाजार आपको म्यूजियम नज़र आ रहा है लेकिन ये म्यूजियम नहीं है जी। इसके अंदर जो है वो हर तरह का नशा बिकता है जी और ये कुछ यहाँ एम्स्टरडम के अंदर असल में कोई भी चीज़ ना नहीं है, इजाज़त नहीं है बनाने की। तो कोशिश करेंगे कि ये बाहर से ही आपको दिखाया जी दिखा दिया जाए कि मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडीज बनी है उनमें नशा सब में अशीश आप कह लें कि वीड चर्स अफ्यूम दुनिया का कौन सा ऐसा नशा है कि जो यहाँ मौजूद नहीं है और ये सारे का सारा नशा जो है वो यहाँ मौजूद है और उसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है। यहाँ बिल्कुल आज़ादी है कि आप बेच सकते हैं अपने सर्टेन लिमिट और ये हेलो वी आर इन अ मोए एम्स्टरडम विद माय फ्रेंड्स देयर देयर ओवर देयर ओके विद द कैमरा देयर यस प्लीज कम यस व्हाई नॉट यू आर लाइव यस ओह मोए नाउ यू आर फ्रॉम व्हिच कंट्री या यू आर फ्रॉम व्हिच कंट्री इट्स वंडरफुल Oh, wonderful. Okay, you had a very good, wonderful experience. You are from which country? Yeah, this country is Mooi. Okay, you are from? Netherlands. Same, okay. Yeah, yeah. I love Netherlands. Yes. Netherlands is a paradise. I am from Pakistan. What do you like in the Netherlands? I like everything. Everything. Especially the canals, the flowers, and the cycle, and Giethoorn. And women's? No. जी यहाँ दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे फ्राइज मिलते हैं, खाने मिलते हैं जी। शुरोज जो खासतौर पर स्पानिया में होते हैं यहाँ भी मौजूद हैं और एम्स्टरडम की इन गलियों में हम आपको घुमा रहे हैं जहाँ आपको हर तरह की चीज़ें मिल सकती हैं जी। डोल्स एंड गिलाटो और यहाँ से बाएं जानब शुरू होता है जी वो इलाका जहाँ की फिल्म बंदी जो है वो ममनू है, जहाँ से मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ मनाजिर क्योंकि हम आ जाएंगे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही जा रहे हैं आप जानते हैं इसका क्या मतलब है कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट क्या है और वहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जिस हद तक हो सके मैं दिखाऊँ टूर एंड टिकट्स सिटी टूर के लिए। सिटी टूर के लिए मैं एम्स्टरडम में अगर आप आए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार फिर कि आप जो है वो कैनाल टूर लीजिए। कैनाल्स में आप बैठिए खुद जैसे ये देखेंगे एक क्रूज टूर चल रहा है तो ये आप क्रूज बुक करवाइए जहाँ से आपको सस्ता मिले। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रल स्टेशन के करीब है वो आपको मिलेगा और आप पूरे एम्स्टरडम की जो है वो सैर कर सकते हैं इस क्रूज टूर में। इस वक्त आपको एक और हम इमारत की तरफ लेके आया हूँ जी और ये है रॉयल पैलेस जी। जी हाँ रॉयल पैलेस जहाँ इस वक्त जो है वो शाह नीदरलैंड जो है वो इस तरह फरमा रहे होंगे। ये अब भी यहाँ आप जानते हैं कि बादशाहत कायम है, बादशाह भी किसी न किसी सूरत में सेरेमोनियल ही सही मौजूद है। यूरोप के भी बहुत से ममालिक के अंदर बादशाह मलका और शहजादे और शहजादी मौजूद हैं अगरचे कि उनकी हैसियत जो है ना वो बस एक नाम की सी है लेकिन ये मौजूद है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एम्स्टरडम के अंदर और ये शाह का महल है और देखिए उसके बिल्कुल सामने ट्राम चल रही है। ये आपके लिए छपे की बात होगी, ट्राम चल रही है, लोग आ जा रहे हैं और ये नहीं है कि बादशाह सलामत जहाँ मौजूद नहीं होंगे। बादशाह सलामत अगर मौजूद भी होते हैं मलका भी मौजूद होती है तो इसके बावजूद भी ये ट्राम चलती रहती है और इनके आने में जाने में किसी भी तरह की कोई तातुल नहीं होता ट्रैफिक में। ये खूबसूरत आप देख लें महल जो कि शाही महल है, डच शाही महल इसको कह सकते हैं, जिसमें मलका और
बादशाह सलामत और उनका खानदान रहता है जी। ये शॉपिंग मॉल उसके बिल्कुल सामने, ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है, लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मैगना प्लाजा कहलाता है ये, एक बहुत मशहूर तजारती जगह है एक आने लायक। और इस जो बादशाह के महल के बिल्कुल अकब में पीछे करके जो है वो चर्च है, बड़ा चर्च है जिसमें जो है वो न सिर्फ ये शाही खानदान के लोग इसमें आते होंगे बल्कि साथ ही साथ आवाम उन्नास के लिए भी यकीनन खुला होगा। कि ये देख सकते हैं आगे चर्च ही मौजूद है जहाँ आपको मैं आज सैर करा रहा हूँ एम्स्टरडैम की। और मौजूद हम एम्स्टरडैम की गलियों में, एम्स्टरडैम की सड़कों में, और आपको मैंने अभी जो विजिट कराया और बादशाह के महल का कराया, आगे देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेके आता हूँ। जी साथियों, ये मैं आपको सैर करने जा रहा हूँ सेंट्रल स्टेशन की जी। ये एक खास जगह है जी जहाँ से हम आपको फ्री में एक फेरी मिल रही है। ये फेरी देखिए, ये वहाँ से यहाँ मुफ्त में आई है और यहाँ से भी लोगों को फ्री में लेके जाएगी जी। ये एम्स्टरडैम सेंट्रल स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक ही है और आपको हम सैर कराते हैं यहाँ से। ये देखिए, हम इसमें सवार हो गए। ये दूर से आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, ये एम्स्टरडैम सेंट्रल स्टेशन की हैं। और अगर आपने वन डे टूर लिया हुआ है तो यकीन कीजिए आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो ये एक फ्री फेरी लीजिए जी। ये NDS कहते हैं उसको। और ये देखिए, ये बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर आपको ये झूले नज़र आ रहे हैं, बच्चों के बच्चे जो है झूले ले रहे हैं। और ये हमारी फेरी जो है वो चल पड़ी है। जब भी आप एम्स्टरडैम में आए तो सेंट्रल स्टेशन से ज़रूर ये एक शॉर्ट सी एक आपके लिए वीडियो शॉर्ट सा सफ़र है। जब भी अगर आप एम्स्टरडैम में आए तो सेंट्रल स्टेशन से ये नॉर्थ स्टॉप बनता है, वहाँ से आप फेरी लीजिए और सामने NDSM जो है ना यहाँ पे आप जा सकते हैं इस फेरी के ज़रिए जी। ये फेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई खर्च नहीं है। ये सारा दिन यहाँ चलती रहती है, ये GVB कंपनी चलाती है। और ये जो कंपनी है यहाँ पे, उसके ज़िम्मे ये काम है कि ये एम्स्टरडैम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी आप कह रहे हैं कि सहूलत है वो फराहम करती है। ये आपको कुत्ता नज़र आ रहा है। इसके आगे साइकिलें लगी हुई हैं। जी ये हमें फेरी ने उतार दिया जी। ये चूंकि मैं 5-6 मिनट की आपको फ्री में राइड करवाते हैं जिसमें ये देखें लोग भी हैं काफ़ी सारे जो आ जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ है आपको लोग गाड़ियाँ छोटी छोटी और मोटरसाइकिल और साइकिल ये भी नज़र आ रहे हैं, आप इसमें जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हसन नाज़िश आपकी खिदमत में हाजिर। मैं मौजूद हूँ एम्स्टरडैम में, और एम्स्टरडैम जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल सिटी है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई जन्नत है किसी मुल्क में किसी मकाम पर, यकीन जानिए एम्स्टरडैम है। मैं इस वक्त ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और आपको मैं आज सैर कराऊंगा ज़ामदाम की भी। ज़ामदाम जो है वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, एक साइड एरिया है एम्स्टरडैम सिटी से ज़रा हटके। मेरा स्टॉप आने लगा है, इसलिए मैं खुद भी उतरूँगा और आपको भी बताऊँगा जो ज़ामदाम है इस शहर की वजह शोहरत क्या है और मैं खास तौर पर इधर क्यों आया हूँ। आप देख सकते हैं ट्रेन है सुबह के साथ, यहाँ तकरीबन 9:40 हुआ चाहते हैं। ये अच्छा 40 मिनट तो हो गए जी, और ठीक 40 मिनट तक तो ब्रेक लगानी है जी। ब्रेक लग चुकी है ट्रेन की। ये देखिए वक्त किस कदर कदम है, ये लोग के अपनी घड़ियाँ जो है वो हिट करते हैं। मैडम,
के कस्बे की हैं जेंडन की और शुक्रिया कैरियर हेलो कह रही हैं आप सबको तो सब वो जस्ट 9:40 हुए हैं यकीन कीजिए और 9:40 पर ठीक हुए हैं ट्रेन में ब्रेक लगाई है आप देखिए मेरी उतर गई हुई है जेंडन पर स्टॉप है जी मैं आपके साथ स्पेन नाविश मौजूद हूँ जेंडन के इस शहर में और मैं आपको सैर करा रहा हूँ एम्स्टरडम की पहले एक्सप्लोर करते हैं कि आज जेंडन शहर में क्या है जी साथियों मैं सब मौजूद हूँ जानसे शांस ये एक सिटी है एक कस्बा है एम्स्टरडम का के करीब तकरीबन कोई एम्स्टरडम से आप कह सकते हैं कि आधे घंटे के फासले के ऊपर ट्रेन आती है ये एरिया कहलाता है रीजनल रीजन है एम्स्टरडम का ही लेकिन सिटी अलग है इसके लिए आपको अलग से लेनी पड़ती है ट्रेन और इस एरिया की जो वाद बड़ी खसूसियत है वो ये है कि यहाँ विंड मिल्स जो हैं जो निशानी है एम्स्टरडम की और नीदरलैंड्स की एक आइकन है उसकी एक कसीर तादाद यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ जो सयाह हैं वो इन्हीं आप कह लें कि विंड मिल्स को देखने के लिए आते हैं जी तो लेट्स सी लेट्स एक्सप्लोर जी जनाब मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त उस मकाम पर जहाँ आपको नजर आएगी ये विंड मिल जो कि एक निशानी है यहाँ नीदरलैंड्स की ये देखिए मेरे अकब में आपको विंड मिल नजर आ रही है ये विंड मिल है जी और एम्स्टरडम इस इन विंड मिल्स की वजह से जाना और पहचाना जाता है और विंड मिल के जो हम उर्दू करते हैं पन चक्की नहीं है जी ये हवाई चक्की होती है हवाई चक्की उसको कहते हैं जो कि विंड से चलती है हवा से चलती है ठीक है ये बहुत पुरानी है जी और अभी तक इन लोगों ने उसको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है अंदर से जाके आपको दिखाएंगे कि विंड मिल क्या है कैसे चलती है ये किनारे पे जो है ना आपको ये पानी नज़र आ रहा है ये नहर नज़र आ रही है और इसके बिल्कुल नजदीक पर है इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम देख रहे हैं कि एक आध ये जीप खड़ी है और शायद इसको किसी न किसी तरीके से जो है वो अभी भी इस विंड मिल के जो है काबिल इस्तेमाल रखने की कोशिश की गई है लेकिन इसके पर चल नहीं रहे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन के लिए ही रखी है कि लोग आए सयाह आए और इस कोशिश में ये लोग खासे कामयाब नजर आ रहे हैं अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो कैसे इन विंड मिल्स को देखते हैं और देखने के लिए आए हैं मेरे साथ रही हुए जी जनाब आप देख रहे हैं मेरे साथ हम जान सांस में मौजूद हैं ये एक कस्बा है आप गांव कह सकते हैं इसको साइड एरिया है एम्स्टरडम से तकरीबन कोई 20 मिनट की ट्रेन की मुसाफत पर वाक़ है और ये ख़ास तौर पर मशहूर है ये गांव कि यहाँ विंड मिल चलती हैं आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने एक हवा चल रही है और इस हवा की कुव्वत से अभी भी विंड जो है मिल है वो चल रही है ये हवाई चक्कियां जो है ना ये चल रही हैं आप देख सकते हैं मेरे साथ और ये वो नज़ारे हैं जिनको देखने की खातिर टूरिस्ट पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं और ये साथ में देखिए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं लोग आके महसूस होते हैं कश्तियाँ भी यहाँ लंगर अंदाज है कश्तियों में बैठते हैं और दूर तक जाते हैं ये साइकिल पर जो है वो ट्रैक है आप जानते हैं कि एम्स्टरडम जो है ना वो लोगों की तादाद से ज़्यादा यहाँ पर साइकिल की तादाद है हर शख्स ने तकरीबन अपने पास यहाँ साइकिल रखी हुई है कि घर में कई कई साइकिलें मौजूद हैं और ये टूरिस्ट हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और सुबह का वक्त है लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ महसूस हो रहे हैं जी ये मैं आपको इस गांव के अंदर लेके जा रहा हूँ जी जान से शांस मैं कसरी प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ जी क्योंकि डच लैंग्वेज मुझे उस तरह नहीं आती ये बड़े खूबसूरत घर बने हैं लेकिन यहाँ घरों से ज़्यादा ये सुवेनियर शॉप की सूरत अख्तियार कर चुके हैं जहाँ सियाहों का तान तसूस ही बंधा हुआ है तो ये छोटे छोटे से ये कुबड़े ब्रिज आपको नज़र आ रहे हैं जो आप ये नहरों के ऊपर लगे हुए नज़र आते हैं ये देखिए बास घर हैं और बास जो है सुवेनियर शॉप्स हैं बास पे कहवा खाने रेस्टोरेंट हैं सियाहों की तादाद काफ़ी मौजूद है एक बड़ा उजला दिन है आज का सूरज जो है ना वो चमक रहा है और साथ ही साथ
आपको ये सब्जा नजर आ रहा है, ये नदियाँ नजर आ रही हैं, ये कुबड़े पुल जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं यहाँ की सुबह का, यहाँ की शामों का, यहाँ के दिन का। ये देखें, देख सकते हैं आप जगह जगह जो है वो नहरें बह रही हैं। ये बैठने के लिए, आराम करने के लिए, इस्तराहत के लिए बहुत खूबसूरत जगह। एम्स्टरडेम को मैं अगर रेट करूं तो यकीन कीजिए मैं इसे दुनिया के लिए जन्नत जन्नत कहूँगा। बस ये है कि यहाँ हूरें आपको अपनी लानी पड़ेंगी। ये वो जन्नत है कि जहाँ हूर जो है ना वो आपको अपनी ही लानी पड़ती है। जी ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी एक मूर्ति है जी, यकीन में किसी शहजादी की है और लगी हुई है यहाँ पे। ये शहजादी नहीं है जनाब, ये देवी की है जी, हुस्न की देवी की है जो कि यूनान से यहाँ आई है। जी ये देख लें, एक आपको नजर आ रहे हैं कुछ जानवर। ये कौन से जानवर हैं जी आपको नजर आ रहे हैं? जा रहे ये भेड़े हैं जी, और इन भेड़ों को यहाँ छोड़ा गया जी। ये चरागाह बनी हुई है एक तरह की जहाँ ये चर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आपको कुछ बतखें नजर आ रही हैं। बहुत उम्दा मंजर आपके सामने मैं लेके आया हूँ एम्स्टरडेम के इस गाँव से जी। यहाँ अगर आप चाहें तो एक हट किराए पर रह के लेके आप रह भी सकते हैं। मैं यहाँ इस वक्त ख़ास तौर पर अपने हम सफ़र साथियों, अपने सयाह साथियों ज़िया भट्ट, ज़िया साहब, ज़िया शाह, साकिब महमूद भट्ट और मेरे करम गस्तर दोस्त, मेरे साथी, मेरे रफीक पार वैद जमान कुरैशी को बहुत याद कर रहा हूँ कि वो भी अगर मेरे साथ यहाँ होते तो यकीन कीजिए कि बहुत मंजर जो दुबला हो जाता। और हाँ अगर इसके साथ ये कहीं होता कि मेरे वो हम सफ़र अगर नहीं है तो साश के ऊर शूरी मिल जाती मुझे तो मेरी जन्नत पूरी हो गई थी आज मेरी। ओके जी हसनैन नाज़िश मौजूद है आपके साथ। इस वक्त मैं एक जूते के अंदर बैठा हुआ हूँ। जूता है, ये वुडन शूज़ है। ये वुडन शूज़ खास तौर पर बनाया जाता है एम्स्टरडेम में। एम्स्टरडेम के साथ जो है एक गाँव है, उस गाँव की सैर कराने के लिए मैं आपके साथ आया हुआ हूँ। और देखिए क्या अजीब मंजर है। ये वो जूते हैं लकड़ी के जो जहाँ आमतौर पर सर्दियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, इसको खड़ाऊँ भी कहा जा सकता है जी। ये गांव का एक घर जहाँ आपको एक कश्ती पोशीदा सी नज़र आ रही है, कुछ गमले। और ये देखिए ये बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाई है बतौर खास। ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे झूले ले रही है जी, और इसको भी बिल्कुल गांव के तर्ज का बनाया गया है, लकड़ियों के आप कह लें कि पत्तों का बेहतरीन इस्तेमाल करने के बाद उन्हें जो है वो यहाँ जोड़ दिया गया है। बच्चे सियाहों के भी और गांव के बच्चे भी यहाँ आकर अपना वक्त गुजार सकते हैं। ये भी गालिबन कोई चिमनी वाला है जी। हाँ यहाँ शायद आग जलाते हैं और ऊपर से इसके कुछ धुआं वगैरह निकलता है। ये आपको मटके नजर आ रहे हैं लकड़ी के, जो कि खुराक को जखीरा करने के काम आते हैं सर्दियों में, चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये किया जा सकता है जी। जी ये इस घर के अंदर दाखिले का टिकट है जी 3 यूरो, और छोटे बच्चे का है तो 1.5 यूरो में आप इस घर के अंदर कभी विजिट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल बनाया गया है जी विंड मिल का, जो कि 1890 में कहीं बनाई गई थी यहाँ पे। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये देखें आप लोग, ये बहुत ही खूबसूरत सैंपल बनाया गया है जी। विंडहॉर्न जी, ये है वो खास वर्कशॉप, वुडन शू वर्कशॉप। ये डी जानसे शांस, ये जानसे शांस जो है ये इस जगह के नाम है। हम देख रहे हैं ऊपर ये हॉलैंड का ये तिरंगा नज़र आ रहा है आपको, और ये वर्कशॉप है। आपको मैं इस वर्कशॉप का विज़िट कराऊंगा जी कि ये यहाँ पे लाइव किस तरीके से जो है वो बनते हैं ये शूज़, ये जूते। मैं आपको अभी जानसे शांस के इस
जूतों का जो बनने का जो म्यूज़ियम है वो दिखाने के लिए लाया हूँ। ये भी एक ख़ास चीज़ है यहाँ की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कम ही ऐसा देखा होगा। आप म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं और इस वक्त सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर, और ओरिजिनल क्लॉक पाया जाता है। हम उर्दू में इसको खड़ाऊ कहते हैं, पहाड़ी के बारे में इसको खड़ाऊ ही कहा जाता है। ये देखिए आप, और ये जिसे बनाने का म्यूज़ियम है हॉलैंड में खास तौर पर बहुत मशहूर है। देखिए बड़े खूबसूरत ये जूता मुझे बहुत लग रहा है, लगता है कोई खाल भरा है, बड़े जो लोग करते रहे होंगे उसको। और ये देखिए जैसे लगता है कि मुल्तान के खुशे हैं बड़ी बारिश से। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, अगर आपके पास वक्त हो तो बराए करम वक्त जरूर निकालिए, अपने लिए पैसे बचाइए और अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया का की सैर कीजिए। कुल सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर कीजिए। जी जनाब, मैं दाखिल हो गया इस वक्त इस विंड मिल के अंदर जी, और इस विंड मिल में जो है वो इसका दाखिला टिकट है 5 यूरो का जी, 5.5 यूरो का, मैंने 5.5 यूरो दिए जी। और ये यहाँ से मैंने उतर गया हूँ, ये उसके जो है वो आपको पहिए नज़र आ रहे हैं विंड मिल के, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे जी और आपको दिखाएंगे कि जो विंड मिल है वो कैसे काम करती है, आज भी जेन्युइन सूरत में आज मौजूद है जी। ठाकुर मैं हुआ हूँ यानी जी सर अपस्टेयर्स, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो मुझसे पहले के लोग हैं वो ऊपर चले जाए तो फिर मैं भी ऊपर जाऊं और आपको ये विंड मिल के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊं जी। जी मेरा ये ऊपर का सफ़र शुरू हो रहा है, मुश्किल लग रहा है काफ़ी मुझे, क्योंकि मैं कैमरा भी पकड़ूं और साथ साथ जो है कमेंट्री भी करूं और ऊपर भी जाऊं। ये बड़ी नैरो किस्म की सीढ़ियां हैं, कैमरा संभालना भी मुश्किल हो रहा है और साथ साथ ऊपर भी जाना ज़रूरी है। ये देखिए मैं ये पहली मंजिल पर गालिबन पहुंच आया हूँ जी। हाँ जी, ये पहली मंजिल पर आ गए जी, और जी आप देख रहे हैं मेरे साथ मिल्स ओरिजिनल कंडीशन। Wonderful. जी ये आपको नज़र आ रहा है जी, यहाँ से हम ऊपर के सफ़र तय करेंगे और आपको दिखाएंगे कि विंड मिल्स जो है ना वो किस तरीके से काम कर रही हैं और कैसे जो है वो आज भी लोगों को अपनी जानब राग़िब कर रही हैं जी। मैं यहाँ से भी ऊपर जाऊँगा आप अगले मरहले में और आपको दिखाऊंगा कि ये ऊपर का व्यू कैसे नज़र आता है जी। ये देखिए जी, ये मैं एक नई जन्नत में एक नई दुनिया में आ गया हूँ और आपको ये विंड मिल नज़र आ रही है दूर दूर तक। ये यहाँ से गालिबन इसको ऑपरेट किया जाता है जी, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये हिल रहा है साथ साथ की सारा चीज़ें जो लकड़ी की बनी हुई है जी। जनाब जी साथियों, मैं आपको दिखा रहा था विंड मिल्स का कि विंड मिल्स जो है वो कैसी होती हैं और यहाँ विंड मिल्स कैसे चलती हैं एम्स्टर्डम के अंदर। एम्स्टर्डम का एक गांव है ज़ांशांस जो कि एम्स्टर्डम से तकरीबन कोई 20 मिनट की
रेल की मुसाफत पर वाकया है और आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मैं काफ़ी ऊंचाई पे मौजूद हूँ। एक विंड मिल है जी, विंड मिल के करीब आप उसके पर जो है वो देख सकते हैं कि अब भी जो है वो चल रहे हैं, अपनी असल हालत में मौजूद है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली किसी नई वीडियो के साथ, नए किसी मकाम, नए किसी जगह पर हंसने नजर आपके साथ रहेगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।